भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड सभी को जय मसीह की। आज जो हम लोग विषय देखेंगे इस वीडियो के द्वारा वो हमें मिलता है यशाया की पुस्तक अध्याय 55 और पद संख्या 6 से लेकर 13 तक। भाई आशीष वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग वचन में देखेंगे कि प्रभु का वचन हमसे क्या कहना चाहता है, और फिर हम लोग जैसा पिछला वीडियो हमने बनाया हम लोग वचन की चर्चा करेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रभु को धन्यवाद करेंगे और हर एक जन को प्रभु को सौंपेंगे। तो भाई आशीष वचन को पढ़ें, फिर हम लोग इसकी चर्चा को देखेंगे और प्रार्थना को देखेंगे। आज का पाठ वचन है यशाया का 55 का 6 से 13 तक। इसमें वचन ऐसा कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही को फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ रहकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुंचाओ जाओगे, तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियां गला खोल कर जय जयकार करेंगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगे। तब भटकटियों के बदले सनवर उगेंगे और बिच्छू पेड़ों के बदले मेहंदी उगेंगी, और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी ना मिटेगा। यहां तक आमीन। तो भाई बहनों, यहां हम लोग वचन में साफ साफ देखते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है। जब तक यहोवा मिल सकता है हम उसकी बाट जोते रहे, जब तक वह निकट है, क्योंकि प्रभु ने कहा है यहोवा सदा मनुष्यों से वाद विवाद ना करेगा। जैसा प्रभु ने नूह के समय कहा, 100 सालों से भी ऊपर प्रभु ने इंतजार किया, परंतु उसके पश्चात प्रभु ने जल प्रलय को लाया। सदोम उमरा के समय प्रभु ने लूत का अगुवाई किया, प्रभु के दूत वहां उतरे और उन्होंने वहां का देखा माहौल को, उन्होंने कहा कि हम यहोवा की तरफ से जो चिल्लाहट स्वर्ग तक पहुंची उसको हम देखने आए, कि उन्होंने वैसा किया है कि नहीं, एक जीवित गवाह के रूप में वो लोग देखने आए। ऐसा नहीं कि परमेश्वर को मालूम नहीं है उनके कार्य, परंतु परमेश्वर अपने गवाहों को भेजता है कि उन पर गवाही हो कि यहोवा तो आया परंतु तुमने ध्यान नहीं दिया, यहोवा देहधारी होकर आया परंतु तुमने उसकी ओर मन नहीं फिराया। जैसा हम लोग जानते हैं हमारे लिए उद्धारकर्ता यीशु मसीह आया, वो यहोवा को पेश करते हैं, प्रकट करते हैं देहधारी रूप में, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर क्या चाहता है। तो जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक वह निकट है, हमने उसको पुकारना है अपनी दुष्ट चाल चलन से, अपनी बुराइयों से, अपनी कुरीतियों से, अपने अधर्म के चाल चलन से, वही हमें छुड़ाएगा और पूरी रीति से हमको क्षमा करेगा, पूरी रीति से हमको शुद्ध करेगा। और वो कहता है कि हमारे विचार उसके विचार एक समान नहीं है, जैसे आकाश और जमीन में अंतर है वैसा उसकी गति और हमारी गति में अंतर है। कहने का मतलब, हम लोग सोचते हैं कभी कभी, बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं, हमारे मन में भी आता था, अभी भी कभी कभी आता है और लोग हमसे पूछते भी हैं कि प्रभु इस संसार में हमें अच्छी वस्तुएं देना चाहता है परंतु हमें यहाँ त्याग बलिदान आता है, ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब यह है प्रभु इस नाशवान देह के अभिलाषाओं और आकांक्षाओं से छुड़ाकर, जो शैतान हमारी आवश्यकताओं से अधिक हमें लोभ और लालच में फंसाना चाहता है, उससे निकालकर प्रभु हमें आत्मिक वस्तुओं की चाहत में लगाना चाहता है। इसलिए प्रभु हमें यहां संघर्ष, त्याग, बलिदान सिखाता है कि हम प्रभु के वचन के अनुसरण के लिए क्या अपने शरीर को पीछे रख सकते हैं, अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी अभिलाषाओं को त्याग सकते हैं, और इसलिए प्रभु ऐसा कहता है। तो यहाँ साफ साफ कहता है प्रभु का विचार और हमारा विचार, प्रभु की गति और हमारी गति एक जैसी नहीं है। कहने का मतलब, प्रभु जो हमें देंगे वो हमारी सोच से बढ़कर है, जो प्रभु ने हमारे लिए योजना बनाई है, जो आशीष रखी है वो हमारी सोच से बढ़कर है। और यहाँ साफ साफ कहता है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आसमान से गिरती, आकाश से गिरती और यूं ही लौट नहीं जाती, वो गिरती है और जो बोया जाता है उसको उपजाती है, जो बीज को और उसको खाने की रोटी मिलती है। तो जब प्रभु ने हमें वचन दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, अपना व्यवस्था दिया जो हम लोग नहीं कर पाए, परंतु प्रभु के वचन पुत्र यीशु मसीह आए, पवित्र आत्मा दिया और हमारे जीवन में पूरा किया, उन्होंने हमें बुलाया और चुना, उन्होंने बीज बोया, तो उनको महिमा मिलती है। तो क्या वो हमें रोटी नहीं देंगे? स्वर्गीय रोटी जो हमें देता है प्रभु, स्वर्गीय जल देता है
जो एक सोता बन जाएगा। प्रभु कहते हैं इस कुएं के पीछे क्यों हो, इस पानी को पीकर फिर प्यासे रहोगे, प्रभु सामरी स्त्री को कहता है। तो प्रभु हमें सोता देता है, वो हमारे लिए बहुत आयत का सोचता है, अनंत जीवन का सोचता है, उसका विचार हमें अनंत काल की आशीष देने के लिए। तो कभी कभी हमें जो लगता है हम लोगों को कि प्रभु हमसे कॉम्प्रोमाइज करवा रहे हैं, ये छोड़ दो, इसके पीछे मत जाओ, ये हमारे भले के लिए है। क्योंकि यदि हम भी उनके पीछे चले गए तो हम भी संसारिक मनुष्य की तरह हो जाएंगे, फिर बुलाए और चुने में क्या अंतर होगा। परंतु यदि हम लोग चुने गए हैं तो हम में अंतर होना चाहिए। जिस प्रकार प्रभु ने हर एक सितारे को बनाया, सूरज चांद तारे को, तो हर एक सितारा एक जैसा दिखता है परंतु हर एक के प्रकाश में अंतर है। बाइबल साफ साफ कहता है, वचन साफ साफ कहता है, प्रभु सबको उनके नाम से जानता है। तो बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन प्रभु सबको अपने नाम में एक अलग पहचान देता है, एक ही देह, एक ही आत्मा में। उनके कर्मों के अनुसार फल तो देना चाहता है, परंतु प्रभु सबके लिए समान अनुग्रह रखता है। जो उनके अनुग्रह में जितना पाले, तो उसके लिए अनुग्रह में अगर हमें फल पाना है स्वर्ग राज्य के लिए, तो हमें इस नाशवान जीवन की वस्तुओं को पीछे रखना होगा और स्वर्ग राज्य की तरफ आगे बढ़ना होगा, प्रभु की गति में, प्रभु के विचार के अनुसार। और वो गति और विचार हमें किससे मिलेंगे? पवित्र आत्मा के द्वारा, उनकी बुद्धि, समझ, ज्ञान, शिक्षा के द्वारा, है ना। वो सामर्थ्य हमें कहां से मिलेगा? यीशु मसीह के मांस और लहू के द्वारा। तो यहां वचन साफ साफ कहता है, उसी प्रकार उनका वचन भी है परमेश्वर का, जो उनके मुख से निकला वो व्यर्थ ठहर कर उनके पास नहीं लौटेगा। इस प्रकार यीशु मसीह जो उनका वचन है, जो क्रूस मृत्यु को धारण किया, हमारे पाप और श्रापों को उठाया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा और उसको सिंहासन दिया गया। कहने का मतलब राज अधिकार दिया गया, राज करने का अधिकार दिया गया। परमेश्वर का वो वारिस ठहरा, पुत्र ठहरा, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर को दे दिया। उसने मनुष्य में भरोसा नहीं रखा, उसने संसार में भरोसा नहीं रखा। वो व्यक्ति स्वर्ग से आया, वो व्यक्ति अंधकार में ज्योति के रूप में आया, वो व्यक्ति उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में आया, परंतु उसने भेड़शाला में जन्म लिया, है ना, और चरनी में लिपटा हुआ था, गरीब में जन्म लिया, दीन दुखियारों के लिए आया, पापियों के लिए आया, परंतु अमीरों के पीछे दफन किया गया, चट्टान फाड़ के उसको दफनाया गया और उसके लिए पहरेदार नियुक्त किए गए, क्योंकि उसका पुनरुत्थान एक महान घटना था कि शैतान भी इसको रोक नहीं पाया, ना उसकी क्रूस मृत्यु को, ना उसको पुनरुत्थान को, क्योंकि प्रभु ने इस बातों को रचा कि उसके द्वारा और आदि से ही ठहराया कि उसके मेमने के द्वारा हमारे पाप, जो हम लोग गलती करेंगे व्यवस्था के बल पर चलकर, इसराइली और अन्य जाति, इसकी गवाही प्रभु सारे जगत तक देगा इसराइल के द्वारा, जिन्होंने यीशु मसीह को ठुकराया व्यवस्था पे चलकर, तो सारी जातियों में वो मारे मारे फिरे। और यहां से यहोवा का नाम प्रकट हुआ कि अपने कर्मों पे चलकर हम लोग तितर बितर हो गए, क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। हमारे राज्य नष्ट हो गए, राजा उखड़ गए, हमारे घर के घर बर्बाद हो गए, याजकों का सेवा व्यर्थ ठहरा, भविष्यताओं की बातें पूरी होंगी, लेकिन हमारे लिए हमारा चाल चलन, जो हमने व्यवस्था का अनुरूप चलाया, वो हमारे लिए गवाह ठहरा व्यवस्था, और हम पर उसका श्राप और पाप और फल आ पड़ा। यदि हमने अच्छी वस्तुएं पाई व्यवस्था में खुद के बल पर, तो बुरी वस्तुएं भी पाई, परंतु अनुग्रह में हम लोग यीशु मसीह और पवित्र आत्मा में वो जन्म लेते हैं, नया जन्म पाते हैं। तो यह वचन साफ साफ कहता है, उस प्रकार से उनका वचन भी होगा जो उनके मुख से निकला व्यर्थ नहीं ठहरेगा। यदि आज हम लोग इन नाशवान वस्तुओं को छोड़कर प्रभु के रास्ते में आगे बढ़ते हैं, उनके सामर्थ्य, वो हमारा अगुवाई करता है, वो हमारे आगे है, हम में है, पीछे है, चारों तरफ है, तो वो हमें बढ़ाएगा, वो सामर्थ्य देगा, बल देगा, छोड़ेगा नहीं। और यहां वचन साफ साफ कहता है, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह सफल करेगा। उनके सामर्थ्य से हम लोग सफल होंगे, उनकी इच्छा के द्वारा हमारे जीवन में उनकी इच्छा पूरी होगी, और उनका वचन व्यर्थ ठहर के उनके पास ना लौटेगा। जिस प्रकार वर्षा और हिम जब होता है, तो बीज जो बोया जाता है वो फलता है, अंकुरित होता है, पौधा पेड़ लगता है, फल लाता है। तो प्रभु हमें ही फल दे रहे हैं, और वो फल हमें कहां दिखाई देगा? जिस प्रकार मिट्टी के अंदर बीज बोया जाता है परंतु बाहर निकलता, अंकुरित होता है, बाहर पेड़ बनता, पौधा बनता, फल लगता है, बाहर उसको पता चलता है कि इतनी खूबसूरत दुनिया है, रोशनी है, सूरज है, तो उस बीज के समान अभी हम लोग इस संसार में मिट्टी के अंदर है, मरे हुए हैं। ये नाशवान जीवन उस मिट्टी के समान है, हम लोग क्रूस मृत्यु में बोए हैं, तो यहां हम लोग वो आशीष ना पाएंगे, यहां हम लोग को त्याग करना है, बलिदान करना है। शरीर तो नष्ट हुआ क्रूस पर, परंतु आत्मा की भाव से पुनरुत्थान में जिलाया गया महिमा के प्रकाश के साथ। तो शरीर के भाव से तो यीशु मसीह ख्रिस्त मरा दुखद मृत्यु, क्रूस मृत्यु, पापों का बोझ उठा के एक दुखित मसीहा दिखा, परमेश्वर का सेवक दिखा, जिसको मारा गया, काटे का मुकुट दिया गया, उसका जुलूस निकाला गया, उसको क्रूस दिया गया, श्रापित ठहराया गया, उसके वस्त्र फाड़े गए, उस पर थूका गया, उसको थप्पड़ मारे गए, उसको अपमानित किया गया, उसके सर के ऊपर यहूदियों का राजा लिखा गया।
परंतु लोगों ने ये जो मजाक समझा, लोगों ने ये जो अपमान समझा, वही वचन सचमुच यहूदियों का, हम सभी लोगों का राजा ठहरा। और यहूदी खाली वो नहीं जो शारीरिक खतना कराए व्यवस्था में, परंतु यहूदी वचन कहता रोमियों में, जिसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया और लेपालक पुत्र की सेवा को पाया, प्राप्त किया, पवित्र आत्मा का दान पाया, और जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, और जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, वे ही परमेश्वर के संतान और वारिस हैं, संगी वारिस, और जब वारिस है तो प्रभु के अधिकारी भी, हर एक उत्तम वस्तु के वारिस यीशु मसीह मिलेगा। यदि हमें प्रभु इन सब वस्तुओं को छोड़ने की भावना रखने बोलता है, इसलिए कि प्रभु हमें अपने विचार और अपनी गति के अनुसार स्वर्ग राज्य फल देगा। इस संसार की गति उनकी गति के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रभु का दिन जब एक दिन एक वर्ष के समान होता है और एक वर्ष हजार वर्ष के समान होता है, तो एक एक पल जो हम लोग प्रभु में दे रहे हैं, कितना गुना हमें प्रभु आशीष रखा है स्वर्ग के जीवन में, जो कभी ना मिटेगा, जो जीवन कोई छीन नहीं पाएगा, जो धन ना कोई कीड़ा ना कहीं बिगाड़ पाएगा, आप सोचिए। इसलिए प्रभु यहां साफ साफ कह रहा है, वो गति, उनकी गति और उनके विचार एक जैसे नहीं है। कितना अंतर है, आसमान जमीन के अंतर है। हम लोग जानते हैं हजारों लाखों किलोमीटर दूर है सितारे, और आकाशगंगा में एक सितारों से दूर है हजारों करोड़ों किलोमीटर दूसरे सितारे। इतना दूरी प्रभु ने एक सितारे के बीच में रखा है। तो प्रभु अपने चुने हुए संतानों को, जो अब्राहम के तारे प्रभु ने कहा है, उनको कितना आशीष से भर देगा, जो प्रभु ने तारों को आकाश में बिना किसी टेक के ठहराया है, पृथ्वी को बिना किसी टेक के ठहराया है, आकाशगंगा में हरेक सितारों को, हरेक जो भी है मेट्रॉइड एस्ट्रॉइड हरेक चीजों को, और वो इस तरह से वो चलता है, चलित करता है कि कोई किसी से नहीं टकराता, सब प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं। तो हम लोग यहां साफ साफ देखते हैं कि जो वचन प्रभु ने दिया उसको पूरा करेगा, और उस राज्य में हम लोग प्रभु की ऐसी आशीष पाएंगे कि कोई किसी से नहीं टकराएगा, कोई किसी से जलन नहीं रखेगा। इस संसार में क्या होता है, हम लोग आगे तो बढ़ते हैं परंतु एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, कंपेयर करते हैं, जलते हैं, ठोकर खाते हैं, ठोकर खिलाते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है, चाहे भले हैं चाहे बुरे हैं। हो सकता है किसी ने बहुत भले काम किए, किसी ने बहुत बुरे काम किए, परंतु प्रभु ने कहा यदि किसी ने 99 काम किए व्यवस्था के एक में चुका, और किसी ने एक काम किया 99 में चुका, प्रभु की नजरों में वो दोनों बराबर है, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप सब में आया और पाप में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। उसी प्रकार जब हम लोग यीशु मसीह में सेंट में नाशिश पाते हैं, तो एक देह एक आत्मा में, एक ही देह है सर से पांव तक, सर अगुवाई करता है, पैर चलता है, लेकिन सारा कंट्रोल सर के पास है। हम लोग जानते हैं देह में वो प्रकट करता है। यदि परमेश्वर जो कलीसिया का मसीह का सिर है वो हमें ना चलाए, तो हम लोग उसमें बने नहीं रह सकते। इसलिए यदि हम लोग को परमेश्वर में बने रहना है, तो स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता की ओर लगे रहना है, बाकी ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी। तो क्या विश्वास के बूते मिल जाएंगी? इस बात में भी हम कहना चाहेंगे नहीं। अब्राहम को याद करिए, वहां कहता विश्वास और कर्म। विश्वास अगर आपको आज है तो आपके कर्म में दिखाई देगा, विश्वास होने वाले कर्म का गवाह है, और अगर आप कर्म करते हैं तो विश्वास का गवाह है। आप कर्म करें आपको मालूम आपको फल मिलेगा, इसका गवाह आपका विश्वास है, और आप विश्वास करते हैं इसका गवाह फल है। दोनों एक दूसरे को सिद्ध करता है, परंतु विश्वास बढ़कर है, क्योंकि विश्वास अनदेखी वस्तुओं पर की जाती है, परंतु कार्य जब देखी वस्तुएं होती है तब किया जाता है। यह अंतर है। तो आगे यहां साफ साफ कहता है हम लोग आनंद के साथ निकलेंगे और शांति के साथ पहुंचाए जाएंगे। कहां से कहां पहुंचाए जाएंगे? इस जीवन से। जब यहां हम लोग क्रूस मृत्यु को प्राप्त करेंगे, वचन कहता है जो भी यीशु मसीह के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सताए जाएंगे। चेला गुरु से बड़ा नहीं होता, दास स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने यीशु को सताया तो हमें भी सताएंगे, उनको सुना हमें भी सुनेंगे, उनको दुख दिया हमें भी दुख देंगे, उनको माना हमें भी मानेंगे। यदि उनको इनकार किया तो हमारा भी इनकार करेंगे, उनको अंगीकार किया तो हमारा भी इनकार करेंगे। ये सब कुछ वो उनके नाम के लिए हमारे साथ करेंगे। जैसा गुरु वैसा चेला, जैसा स्वामी वैसा दास, जैसा चरवाहा वैसा भेड़। जब चरवाहे को मारा तो भेड़ को भी मारेंगे, परंतु चरवाहा जी उठा मसीह पहला फल, तो उसके बाद प्रभु के प्रेरित जिनका नाम प्रभु ने जैसा लिखा है जीवन की पुस्तक, वो भी जी उठेंगे शुरू से अंत तक न्याय के सम्मुख। तो हम लोग इस जीवन से उस जीवन के आनंद के साथ निकलेंगे और शांति के साथ पहुंचाए जाएंगे। मार्ग में कांटे जरूर मिलेंगे, लेकिन क्या कहेंगे प्रभु? यह वचन क्या कहता है? पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर जय जयकार करेंगी हमारे आगे। ऐसा उत्सव होगा कि लगेगा कि हमारे आगे चट्टान है और पहाड़ और पहाड़ियां गला खोलकर प्रभु का जय जयकार कर रही है। माने हमें कोई डराने वाला नहीं होगा, कोई हमें डगमगाने वाला नहीं होगा, कोई हमें ठोकर खिलाने वाला नहीं होगा। और वचन क्या कहता है? मैदान के सारे वृक्ष ऐसा होगा वहां उस राज्य में जैसे कि सब ताली बजा रहे हैं। इस वृक्ष के समान नहीं जहां पतझड़ का मौसम आ रहा है ना, जो डालियां कट जा रही हैं, पूरा फल नहीं जा रही, जो सूख जा रही हैं, वहां कोई सूखा पेड़ नहीं, कोई पतझड़ वाले पत्ता नहीं, कोई कीड़े मकोड़े लगे फल नहीं, कोई बुरी बात नहीं, कोई बुरा फल नहीं। वहां कोई ऐसा पहाड़ नहीं जहां जल नहीं है,
वहां कोई ऐसा पहाड़ नहीं जहां स्तुति नहीं होती, वहां हर एक पहाड़ गला खोलकर जय जयकार करता है, हर एक पेड़ ताली बजाते हैं वहां पे। ऐसा आनंद, ऐसा उत्साह उस राज्य में प्रभु मिले जाएंगे उनका विचार उनकी गति के अनुसार। तो सोचिए उस स्वर्ग राज्य में कितनी अद्भुत आशीष होगी उनके विचार उनकी गति के अनुसार, क्योंकि वचन साफ साफ कहता है कुरिंथ में, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानून नहीं सुनी, मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए स्वर्ग राज्य में तैयार किए हैं। आउट ऑफ आवर इमेजिनेशन, जो कभी हम कोई भी मनुष्य आदम से लेकर अंत तक भविष्यवक्ता याजक राजा कोई भी नहीं सोच पाए हैं, ऐसा आशीष प्रभु ने स्वर्ग राज्य में रखा है। इसलिए कहता है मेरे विचार और मेरे गति पे तुम भरोसा रखो, यहां तुम्हें दुख होगा, क्लेश होगा, परंतु जो वस्तुएं मैं तुम्हें देने पर हूं, जब उसको पालोगे तो तुम इन सब बातों को भूल जाओगे। और इसलिए प्रकाशित वाक्य में कहता है जितने यहोवा के विरोधी हैं, जो लोग अधरों के पड़े हुए हैं, उनसे प्रभु के चुने हुए उनको बहुत ही घृणा है, वो लोग उसकी तरफ देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो लोग जान गए हैं प्रभु का न्याय सच्चा है और वो लोग अपने आशीष में आनंदित हैं। बहुत से उसमें ऐसे लोग होंगे जो उनके अपने रहे होंगे पृथ्वी में, लेकिन वो जान गए उनका सच्चा और अपना जीवन साथी परमेश्वर है, परिवार परमेश्वर है। अब वो उनकी तरफ घृणा से देखते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के विरोधी थे और पश्चाताप नहीं किया। परंतु हम जो आशान्वित हैं, विश्वासी हैं, यहां क्या कहता है, तब भटकइयों के बदले सनेवर उगेंगे, जो कांटे लगे हुए जो पेड़ हैं, जो जंगली झाड़ियां हैं, जो तितर बितर करती है, मार्ग को रोकती है, उसके बदले सनेवर उतरेंगे। प्रभु ने कहा लबनोन के देवदार के समान वृक्ष उगेंगे, जो हमारे रास्ता तैयार करेंगे, वो लहलाएंगे हमारे आगे, पहाड़ जैसे कार्य करेंगे, हमारे आगे नदियां निकलेंगी, हमारे रास्ता तैयार करेंगे, हमारे आगे पेड़ तालियां बजाएंगे, पत्ते तालियां बजाएंगे, आनंद करेंगे, गीत गाएंगे, गुनगुनाएंगे। और क्या कहता है, बिच्छू पेड़ों के बदले मेहंदी उगेगी, जिन पेड़ों में बिच्छुए रहते हैं, है ना, और जो काटते हैं, कहने का मतलब है वो मनुष्यों को दर्शाता है, जो इस नाशवान पृथ्वी में जो पेड़ जो बुरा फल लाता था, जो बिच्छू के समान हमें डंग मारता था, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, वैसे पापी मनुष्य फिर हमें नहीं मिलेंगे, वैसा कटैया हमें नहीं मिलेगा, ना कोई शैतान होगा, ना कोई पापी इंसान होगा, कोई भटकाने वाला हमें नहीं मिलेगा, ना कोई सूखा पेड़ मिलेगा, ना कोई बिच्छू पेड़, कोई डसने वाला हमें नहीं मिलेगा, कोई डंक मारने वाला। क्या मिलेगा हमें, मेहंदी जैसे हाथों पे लगी रहती है, जैसे प्रभु ने हाथों पे हमारा नाम लिखा है। क्या मिलेगा हमें, सनोवर, सुंदर वृक्ष, अलग अलग रंग के हम लोग देखते होंगे, इस धरती पे देख के हम लोग कितना खुश हो जाते हैं, तो स्वर्गीय पेड़ों को फलों को हम लोग देखेंगे पाएंगे तो कितना आनंद होगा। और फिर वचन क्या कहता है, इससे यहोवा का नाम होगा और वो सदा का चिन्ह होगा, कभी ना मिटेगा। हम लोग को प्रभु अपनी गवाही के, अपने महिमा के संतान के सदा का चिन्ह ठहराएंगे, जैसे यीशु मसीह को परमेश्वर ने अंधकार से उद्धार के लिए उद्धारकर्ता ठहराया और सारे मनुष्य जाति के लिए अनंत काल का चिन्ह ठहराया, वो सितारा ठहरा जो अंधकार में चमका, और यीशु मसीह का राज्य कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि यीशु मसीह अनंत काल का पिता है, हमारा परमेश्वर के स्वरूप में है। तो जब हम लोग उसके विचार और गति में सौंप दिए जाते हैं, विश्वास करते हैं, तो हम लोग का नाम कभी नहीं मिटेगा, हम लोग यहोवा के गवाह हैं और चिन्ह हैं, हम लोग उनके सितारे हैं, और हमारा एकमात्र तारा यीशु मसीह है, जो सबों का प्यारा है और सबसे बड़ा है, हमारा स्वामी है, गुरु है, शिक्षक है, जो परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है, जो हमें चराता है, हरी हरी चराइयों में ले चलता है और हमें इकट्ठी रखता है, जैसा प्रभु का वचन कहता है, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी सेवा टहल कर, मेरे खाना पीना लगा, उसके बाद तू भी खा लेना, ऐसा चरवाहा मुझे चाहिए, वचन कहता है। तो प्रभु का चरवाहा यीशु मसीह ऐसा है, जो अपनी भेड़ों को चराएगा, अंदर बाहर ले जाया करेगा, सारी आशीष देगा, उनके लिए सब कुछ प्रबंध करेगा, फिर उनको इकट्ठा करेगा, किसी को भी ना खोने देगा, ना कोई भटकटैया वहां पाया जाएगा, ना कोई बिच्छू पेड़, ना कोई सांप, ना कोई भला बुरा का ज्ञान का पेड़ और फल, ना कोई पापी मनुष्य, ना कोई अभिमानी डोंगी, ना कोई मूर्ति पूजक, ना कोई झूठ बोलने वाला, ना कोई गड्ढा, ना श्राप, ना बीमारी, कुछ नहीं पाया जाएगा, परंतु सब प्रभु में पाए जाएंगे। तो हमें ऐसा राज्य के लिए बुलाया गया है। तो आइए हम लोग सब अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें, छोटा सा प्रार्थना हम लोग करेंगे, उसके बाद इस संदेश को समाप्त करेंगे। धन्य है हमारे मालिक अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, तेरा वचन हम सुनते हैं प्रभु, तेरा कोटि कोटि बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें सुंदर समय दिया कि हम तेरे वचन पर चर्चा कर सके प्रभु, तेरे वचन के अनुसार जहां दो या दो से अधिक प्रभु के नाम इकट्ठे होते हैं प्रभु, हमारे बीच में होता है। मैं आशीष भाई, ऑल ग्लोरी लॉर्ड चैनल के सारे सदस्य जो पहले से थे, जो आज के हैं, हम सब पहले पिछले बराबर हैं प्रभु, हम सबको तेरे हाथ में सौंप देते हैं प्रभु कि हमारे जीवन पे आपने जो बड़ी करुणा की है प्रभु, आपने हमें चुन लिया है प्रभु, बुलाया ही नहीं वरन चुन लिया अपने हाथों के द्वारा प्रभु, तो हम सबों का जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, हमारा मार्ग प्रशस्त करिए, हमें तैयार करिए, अपना सनातन काल का चिन्ह ठहराइए, अपने गवाह ठहराइए कि तेरे नाम और काम जगत में प्रकट हो, हमें शांति दीजिए, आनंद दीजिए कि हमारे आगे वो पहाड़ के समान जय जयकार हो, वो पेड़ों के समान ताली बजाई जाए, नदी नाले समुद्र एक सोता से हम लोग यीशु मसीह में जय जयकार का आनंद करें,
और सनेवर हो गए हमारे लिए, मेहंदी पेड़ हो गए, मेहंदी फल हो गए हमारे लिए, तेरे हाथों के नाम हमारे हर एक रंग से खिले हो, फूल से खिले हो, वो बाग बगीचे सुंदर राज्य जहाँ कुछ भी वस्तु व्यर्थ नहीं, कोई भी नाशवान चीज नहीं, परंतु सब अविनाशी है प्रभु। तो हमारे सारे गुनाहों को माफ कर प्रभु, और हमें सुंदर भविष्य की ओर, उज्जवल भविष्य की ओर तू ले जा प्रभु, यरूशलेम से लेकर सारी अनजातियों को, जैसा तूने यरूशलेम की पुत्रियों को, अनजाति की बेटियों को, और याकूब और सारी अनजाति के पुत्रों को तो आशीष देता है, किया आदम में, जो आदम मनुष्य में, हम में तो मरा, परंतु आदम यीशु मसीह हम सब जी उठे प्रभु, तेरे हाथों को सौंपते हैं प्रभु कि तू बढ़े और मैं घटूं, हमारा सारा बोझ चिंताओं को उठा ले, और हमें इस जीवन से अविनाशी जीवन तक, नाशवान से विनाशी तक हमारा मार्ग प्रशस्त कर प्रभु, और हमें अगुवाई कर, और हमारे मार्ग को सफल कर, और हमें अनंत जीवन तक पहुंचा प्रभु, तेरे नाम के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरी बड़ी दया के अनुसार प्रभु, आमीन।